उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के गांव सलारपुर के लोगों ने अपनी जमीन के मुआवजे से संतुष्ट न होकर हाईवे पर लगाया धरना, जिसको लेकर धनौरा क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र कुमार व गजरौला थाना प्रभारी निरीक्षक आरपी शर्मा अपने पुलिस बल और पीएसी जवानों के साथ धरना लगा रहे लोगों को हटाने पहुंचे, जिसमें पुलिस बल और धरना लगा रहे लोगों के बीच काफी नोकझोंक हुई। समर इंडिया के लिए गजरौला से भरत सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश कुमार है। सुदेश कुमार जी, कहाँ पर रहते हैं आप? मेरे गांव सलादपुर है, ये जगह खड़े हैं दरियापुर है। अच्छा, ये क्या मामला है जो जमीन का मामला चल रहा है? सर, हमने आज से लगभग छः सात महीने पहले हमारा जो है धरना चला था, 7-8 महीने जी। हमने अनशन भी करा था उसमें जी, और हमारे डीएम साहब और तहसीलदार ने लिख के दिया था ये कि आपको 500 मीटर तक का आबादी का रेट मिलेगा जी। और 500 मीटर से ऊपर जो 5,000 मीटर है 500 का आबादी बाकी किसी का मिलेगा, ये नियम लिखा हमें उन्होंने, हमें आर्बिट्रेटर के यहाँ भेजे कमिश्नर के यहाँ। जो इन्होंने कहा था कि उससे पहले जो आपका फैसला आएगा, जो आपका मुआवजा मिल जाएगा, पूरा आपको उचित मुआवजा मिल जाएगा, उसके बाद आपकी बिल्डिंग या जो भी हम आपकी ज़मीन पर कब्जा करेंगे, इससे पहले हम आपको ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं करेंगे। अब हमें प्रशासन के ला के ये पारिक प्राइवेट कंपनी का आदमी है, ये हमें जो पारित कर रहा है, ये धमका रहा है हमें, ये हम एक किसान हैं, किसान की आत्मा दुखा रहा है, इसे बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ेगी, ये हमें परेशान करेगा। अब आगे हम इसके लिए हर बात के लिए तैयार बैठे हैं। आपका क्या कहना है इसमें? सर, हमारा कहना ये है कि जितना हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा पूरा, जो हमारी सरकार ने लिख के दिया, इन्होंने लिख के दिया जो इन्होंने लिख के हमें दिया है, उसके बाद नहीं मिलना, जितना भी कब्जा नहीं होने देंगे। अब रुकवा दिया काम चल रहा है? हाँ जी, रुकवा दिया काम करते, काम रुकवा दिया। हाँ जी, कहते नहीं मर जाएंगे हम, कोई टेंशन नहीं। सूचना दी गई आने की प्रशासन से? नहीं जी, हमें कोई सूचना देगी अनचक का है जी। आपको कोई स्टे विस्टे है आपके पास? नहीं है हमारे पास स्टे, नहीं हमारे साहब तो डीएम साहब ने लिख के दिया, लिख का हमारे पास वो है, उनका पैड लिखा जो उन्होंने रखा। अब आपका मामला कहाँ विचाराधीन है? कमीशन के हमारे यहाँ मुरादाबाद कमिश्नर साहब के यहाँ है हमारा। अब का हमारी भैंस होनी है वहाँ, और ये हमें दिक्कत रहे हैं वहाँ भी, कभी इनका वकील नहीं आता, कभी कोई नहीं आता जी। बताओ, आज जो प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है? पुलिस से झड़प चल रही है? मामला कुछ नहीं है भैया, जबरदस्ती छीनी जा रही है हमसे। जब हमने धरना लगाया था तो डीएम साहब ने ये कही थी कि तुम्हारी मंजूरी पूरी होगी, तुम धरना उठा लो। हमने खाया पिया कुछ नहीं था, 8 दिन हो गए थे पढ़ो, तब उन्होंने बोले नुके चलो तुम खाओ, और अब तुम्हारी शर्त हम जो तुम मांग रहे हो उसे पूरी मांग करेंगे। तो वो मांग क्यों नहीं हो रही हमारे, क्यों ले रहे हैं जबरदस्ती हमसे जमीन, ये बताओ। ये ना इंसाफी है या इंसाफी है, इस बात का जवाब डीएम साहब दे दो हमें। तो अब बताओ, अब क्या चाह रहे हो आप? अब चाह रहे हमारा पैसा दे दो जो उन्होंने मंजूर करा है, और पैसा खोद लो कहीं लो खोद लो, हम कोई नहीं रोक रहे। हमारा हमें पैसा चाहिए जो हमारा उन्होंने तय करा है, जिस तरह से तय करा उसी तरह से दे दो हमें बस। ठीक ठीक है जी, हाँ ठीक। और हमारी रिक्वेस्ट ये है, जो इनकी है सरकारी जमीन का नाला बनाने में, और अपनी सड़क भी बना रहे हैं। हमारी पहली तारीख तक कोई भी हमारे घर मकान दुकान नहीं हमारा, वो जाएगा क्या नुकसान होगा आपको, जो हमारे चार ठीक है। ये वाली बात मैं विचार कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल ये है कि इस बात, ये वाली बात सड़क हो जाएगी, बच्चे सब मर जाएंगे हमारे, आराम से सब जमीन आपको जाएगी। ना सर, क्या आपके लेके मुरादाबाद आपके बच्चे भी सब वोट बन रही है, तो क्या काम नहीं मांगा तो